हम 30 साल से गाय पालन कर रहे हैं, टोटली साहीवाल ही हैं, जो 400 गायें में से 300 के करीब साहीवाल हैं। इसकी खड़ाई पलाई इतनी सस्ती है, ये हरा चारा खा के थोड़ा भूसा मिला दें तो 8-7 लीटर दूध वैसे ही दे देती है बिना दाने के। इसका A2 प्रोटीन जब से लोगों को पता लगा है, अब इसके में ऐसा प्रोटीन है जो हमें कैंसर से, डायबिटीज, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियों से बचाता है, तो इसका रेट हमें अच्छा मिलने लग गया। जो पीते हैं लोग दूध भी, इसका अच्छा रेट हमें 70 रुपए के करीब मिलने लग गया है इसका। जी, मतलब कि देसी गाय का रेट है जो वो 70-80 रुपए आप लेते हैं यहाँ? बिल्कुल, ये तो हमारे यहाँ है, शहरों में तो 100 रुपए से भी ऊपर लोग पी रहे हैं। दूर दूर से लोग दही लेने आते हैं। कहाँ कहाँ से? मतलब कि दिल्ली, चंडीगढ़, हमारे सारे उत्तरी भारत से भी, और पश्चिमी जो हमारा दक्षिण भारत है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वहाँ से लोग गायें लेने आने लग गए हैं। साहीवाल का सारे इंडिया में प्रचार हो चुका है, ये हरियाणा पंजाब के लिए एक वरदान है अगर किसान भाई इसकी बछड़ियाँ तैयार करें। इसकी और क्वालिटी क्या है इन गाँव की दूसरे मुकाबले में? साफ सुथरी गाय है, इसको नड़ाना नहीं पड़ता, कोई भी गाय हमारे यहाँ नड़ाती है, गोबर में नहीं बैठेगी, खड़ी रहेगी, चाहे बेशक इसको अगर कीचड़ है तो। संवेदनशील, अपने बिना बच्चे दूध नहीं देती, इसका बच्चा अगर साथ हो तो ज़्यादा अच्छा दूध दे पाती है। इसके लिए ज़्यादा विटामिन, बाईपास, प्रोटीन, जो महंगे फीड हो चुके हैं डेयरी में, वो खर्चा नहीं किसान भाई भी उठा पाते, रखने वाले कम खर्चे का फीड, सस्ता फीड भी खा लेगी। पशुपालन ही क्यों छोड़ रहे हैं किसान? आपने देखा कि कई तो बस खेती में मस्त हो, लेकिन उनके घर में पशु बहुत कम होते हैं, लोगों को अच्छी गाय नहीं मिल रही। अगर अच्छी गाय 12 लीटर की साहीवाल इस टाइम मार्केट में भी अच्छा उसका गाहक है, लेकिन वो बछड़ी तैयार करनी पड़ेगी। इतना आपसे लेके जाते हैं कोई कि नहीं? काफी लोग आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी हम इतनी नहीं उपलब्ध करा पाते, तो एक खुद पैदा करनी पड़ेगी सब भाइयों को। नेचुरल फार्मिंग है उसके, वो भी इसमें भी गाय उपयोगी है, इसका गोमूत्र, गोबर, और हमारी मिट्टी बचाने के लिए, हमें पानी बचाने के लिए गाय को पालना वैसे भी उपयोगी है। इसके गौमूत्र से जीवामृत बनता है, जो अगर एक गाय पालने से एक किसान 20 एकड़ की खेती बिना रासायनिक, बिना केमिकल डालने कर सकता है। प्लस ये जो कीटनाशक हम डालने शुरू किए हैं उससे में भी इसका गौमूत्र उपयोगी है। आपने कोई अवार्ड भी जीते हैं जहाँ तक आपकी पहचान गई हो? बिल्कुल, हमारे यहाँ को जो सर्वोत्तम पशु पालन का ब्रीड चैंपियन है, वो 3 बार लगातार 2,50,000 रुपए एक इस सांड को मिला है, उस गाय को मिला है। 7.5 लाख रुपए तो हमें इनामों में 3 पशुओं ने दिला दिए हैं। गाय को रखना चाहिए तो तकरीबन कितना को मूल्य होता है इसका? अच्छी गाय का तो मूल्य 1 लाख के करीब है, उससे कम नहीं साहीवाल मिल पाएगी। और हमने तो 5 लाख तक की भी गायें बेची हैं काफी, जो वो कौन सी वैरायटी की थी? वो भी साहीवाल में थी, जो चैंपियन गायें थी। कहीं सोचते हैं अभी गायें महंगी है, महंगी नहीं है गायें, 2 लाख रुपए का तो दूध ही दे देती है एक बार में। अगर 12 बार गायें बच्चा दे, उसके बछड़ों की कीमत बछड़ी की लगाई जाए तो गाय के पेट में तो 1.25 मन सोना, जो बोलते थे हमारे बुजुर्ग, अब भी है। गाय कोई बोझ नहीं है, गाय तो हमें पालती है। सत श्री अकाल दर्शकों, तुसी देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन टीवी, ते मैं हरजीत कौर करनाल दे एक कस्बा तरावड़ी दे विच मौजूद हाँ, जिथे असी खड़े हुए हाँ। तुसी भी देख के हैरान होवोगे कि गऊशाला दे विच असी खड़े होवांगे, पर एक गऊशाला नहीं है, ये एक डेयरी फार्म है जिथे देसी गावां दे दुध का व्यापार किया जाता है। बड़ा मशहूर है तरावड़ी दे विच राम सिंह का डेयरी फार्म, जिहड़ा कि लंबे समय तो देसी गावां का ही कारोबार कर रहे ने। इस डेयरी फार्म दे विच पहुंचन दा कारण भी तुहानू दसांगे, ते देसी गावां ही क्यों रखियां गईयां, इसका व्यापार ही क्यों किया जा रहा, यह भी दसांगे। अक्सर कहिंदे कि देसी गावां दा दुध बहुत महंगा हुंदा आ ते बड़ा फायदेमंद हुंदा आ, पर अजकल घट ही है जिहड़े कि देसी गावां घरां दे विच रखदे ने, क्योंकि दौड़ लगी हुई है दुध ज़्यादा लैण दी, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਤੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਨੇ ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਂ ਰੱਖਣੇ ਕਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ? हमने जो विदेशी गायें थी ना पहले, वो भी रखी थी। हम 30 साल से गायें पालन कर रहे हैं, ये हमारे पास थोड़ी थी देसी गायें, साहीवाल 20-30 गायें थी, लेकिन अब ने जब उनको देखा उनमें इतनी बीमारियां हैं और उनकी दूध की क्वालिटी इतनी गिर गई है, उनको दवाइयां दे के, केमिकल दे के, वो इतने लोग अब पसंद नहीं कर रहे उनका दूध। अब इसका A2 प्रोटीन जब से लोगों को पता लगा, अब इसके में ऐसा प्रोटीन है जो हमें कैंसर से, डायबिटीज, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियों से बचाता है, तो इसका रेट हमें अच्छा मिलने लग गया इसके दूध का। और दूसरा, इसकी खड़ाई पलाई इतनी सस्ती
बढ़ती है, ये हरा चारा खा के थोड़ा भूसा मिला दें तो 8-7 लीटर दूध वैसे ही दे देती है बिना दाने के। उस दूसरी गाय का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, प्लस ये गर्मियों में अच्छा दूध देती है। 12 महीने में 3000 लीटर इसका ब्यांत काल मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी साहीवाल गाय हमने खुद तैयार की है। मतलब एक गाय 30 लीटर दूध देती है? नहीं, 30 लीटर नहीं, एवरेज तो 10 लीटर का ही आता है अच्छी गाय का। लेकिन 3000 लीटर अगर हम बहुत अच्छी साहीवाल को माने तो वो ये लंबे समय दूध देती है। ड्राई पीरियड इसका 2 महीने ही है, हर साल बच्चा देती है। कई कारणों से ये इसलिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि एक हमारी लोकल है ये पंजाब हरियाणा की। पहले पाकिस्तान में कुछ एरिया चला गया, कुछ हमारा हरियाणा अलग हो गया, सिरसा जिला हमारा, इन जिलों में सारी ये गायें पाई जाती थी। और अब हम इसको दोबारा नंदी जैसे हम तैयार कर रहे हैं, सांडों से भी सीमन लगा कर भी इसको हमने अच्छी नस्ल खुद तैयार किया है, इसके रिजल्ट अच्छे हैं। लोगों को समस्या ये आई है कि अब अच्छी गायें नहीं मिल रही, लोग देसी गायें पालना चाहते हैं लेकिन वो खुद तैयार करनी पड़ रही है। जैसे तो आपने बहुत गायें रखी हुई है, सभी देसी है ये? जी हाँ, ये टोटली साहीवाल ही हैं, जो 400 गायें में से 300 के करीब साहीवाल हैं और कुछ थार पारकर गिर रट्ठी भी हैं, जो हमने तुलनात्मक रूप से देखा है कि ये साहीवाल ज़्यादा कामयाब हुई है हमारे यहाँ। इसका दूध भी 12 महीने अच्छा है और दूध की क्वालिटी, फैट पाउडर जो ऐसा नहीं बोलते हैं वो दोनों बराबर बहुत अच्छी, 5% हमारे यहाँ फैट आती है और जो पीते हैं लोग दूध भी इसका अच्छा रेट हमें 70 रुपये के करीब मिलने लग गया है इसका। जी मतलब कि देसी गाय का रेट है जो वो 70-80 रुपये आप लेते हैं यहाँ? बिल्कुल, ये तो हमारे यहाँ शहरों में तो 100 रुपये से भी ऊपर लोग पी रहे हैं। धीरे धीरे लोग, किसान भी जागरूक हो गया, खुद पीने के लिए भी गाय रखने लगे। क्या है इसके जो इतना महंगा दूध है ये? इसका जो घी है हमारा HDL जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल ऊपर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है और LDL कम हो जाता है। प्लस ये इसका A2 प्रोटीन, ये धूप में बैठती है, सूर्य केतु नाड़ी है, सूर्य से ये विटामिन इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और प्रोटीन ऐसी क्वालिटी का है कि वो हमें कैंसर से बचाता है। उसके अमीनो एसिड ऐसे हैं, अब पूरी रिसर्च आ चुकी है इस गाय के दूध के ऊपर, जो इसी में पाया जाता है तो उसकी किसी गाय में नहीं पाया जाता। जी ये भी जानना चाहते हैं कि इनको आप फिर क्या खिलाते हैं, किस फीड से ज़्यादा दूध देती है और अच्छी स्वस्थ रहती है? 12 महीने हम कोशिश करते हैं अपने खेतों में, जो हमारी ज़मीन है 20-22 एकड़ उसमें चारा ही बीजते हैं। कुछ मार्केट से भी चारा उपलब्ध हो जाता है, अगर चारा नहीं हो तो कुछ समय हम थोड़ा साइलेज भी का भी उपयोग करते हैं, सूखा चारा भी, बासमती की जैसे पराली होगी, गेहूं का भूसा, ये ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा गोबर करती है, 12 घंटे ये रेस्ट करती है, थोड़े सुबह शाम ही खा पाती है, यही इसका रखने का कारण है। क्योंकि जब से चारे के रेट बढ़ गए हैं तो अगर HF गायें बूढ़ी हो जाए तो उसको पालना ही मुश्किल है, जर्सी को 12-24 घंटे खाएगी, ये कम खाएगी, इसलिए लाभकारी है ये। जी तकरीबन यहाँ आपकी डेयरी में कितना दूध हो जाता है जो आप फिर? हमारे यहाँ तो अब तो एवरेज तो 7 लीटर का ही है, अभी 80 गायें 500 लीटर के करीब दूध दे रही हैं, कुछ बछड़ियाँ ज़्यादा हैं, 200 के करीब हम बछड़ियाँ नंदी भी तैयार कर रहे हैं, ये सब बछड़ियाँ प्रेग्नेंट हैं, उससे अगले वाली छोटियाँ भी प्रेग्नेंट होने वाली। कितने साल की है जो ये 1.5 साल की प्रेग्नेंट हो जाती है और 2.5 साल के 2.5 साल के बीच में बच्चा दे देती है, जल्दी तैयार होती है और 12 बार बच्चे दे दें कि इसकी कैपेसिटी 15 बार तक है, 20 साल इसकी उम्र है, जो कि इसका बड़ा मुख्य गुण है। क्योंकि हमारे यहाँ विदेशी गायों ने गौशालाएँ भर दी, बछड़े उनके अनुपयोगी हैं, इसका बछड़ा भी कम खाता है और नंदी के रूप में कामयाब है। जी सो 1.5 साल दी तुसी दस्या कि 1.5 साल दी है जिहड़ी प्रेगनेंट हो जाती है, तो इसे तरीके नाल फिर तुसी अगे जिहड़ा अपना गावां दा कह सकदे वाधा कीता हैगा? जी हाँ बिल्कुल, हमने थोड़ी गायें से धीरे धीरे अपनी बछड़ियाँ तैयार की और उनके साथ ही हमने फिर अपनी अच्छी गायें की बछड़ी अच्छी हुई, अच्छे सांड रखे अच्छी गायों से, फिर ये हमें अपना पुलब दुआ गायें। हम ये भी देख रहे हैं इसको किसी को भी आपने बांधा नहीं हुआ, ये बिल्कुल अपने आप ही खा रही हैं, यहीं घूम रही है पूरा यहाँ। इसका भी यही कारण है कि लेबर की बचत है, बांधना खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, गायें भी परेशान हो जाती है उसको अगर पानी ना मिले, ये अपनी मर्जी से धूप छाँव जहाँ होती है अंदर भी शेड है बाहर भी बैठ जाती है, कच्चा पसंद करती है गायें, इसलिए इसको थोड़ा कच्चा, आजकल हमारे यहाँ बरसात का सीजन है, थोड़ा कच्चा भी कीचड़ हुआ है, इसलिए थोड़ी गायें परेशान तो हैं, ये 2 महीने जुलाई मच्छर भी परेशान करते हैं लेकिन 12 महीने इनके लिए रखने में ज़्यादा खर्चा नहीं है, गर्मी सर्दी मच्छर से कहीं दूध में प्रॉब्लम तो? बिल्कुल थोड़ा दूध में तो कम हो जाती है गायें, लेकिन इसका दूध गर्मियों में सर्दियों में बराबर ही रहता है, जो कि हमें ज़्यादा बिजली पानी का खर्चा जो डेयरियों में शेड का खर्चा वो कम लगता है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। जी
कितनी गायें हैं टोटल अगर 400 गायें हैं, इसमें दवाइयों का खर्चा भी हमारा बहुत कम है और देसी दवाइयां ही हम इनको दी है, अजवाइन मेथी तारा मीरा उनसे इनके रोगों को डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। और AI जो आजकल बहुत डॉक्टर भी जान दे रहे हैं AI की बजाय अगर इसको हम साड़ी रखें नंदी तो भी कोई ज्यादा बीमारी फैलने का डर नहीं है। सिर्फ वैक्सीन हमारी गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट करा देती है FMDHS की भी, और जो ब्रुसेलोसिस बीमारी है जिससे काफी फार्म बंद हो चुके हैं HF के, वो भी इसमें कम है। अगर वैक्सीन बछड़ियों की कराई जाए तो नंदी रखना है सांड रखना कोई मुश्किल नहीं है, उससे हर साल गायें बच्चा देगी और जल्दी बच्चे देती है गाय। अगर बात करें कि इसकी और क्वालिटी क्या है इन गाँव की दूसरे मुकाबले में, दूसरी ये साफ सुथरी गायें हैं, इसको नड़ाना नहीं पड़ता, कोई भी गायें हमारे यहाँ नड़ाती हैं, गोबर में नहीं बैठेगी ये साफ सुथरी जगह पे बैठेगी, गोबर को पसंद नहीं करती, गंदगी को में नहीं बैठेगी और ये खड़ी रहेगी चाहे बेशक इसको अगर कीचड़ है तो। इसको अंदर कई गुण है, ये संवेदनशील है, अपने बिना बच्चे दूध नहीं देती, इसका बच्चा अगर साथ हो तो ये ज़्यादा अच्छा दूध दे पाती है, ये मालिक को भी पहचानती है। इसके साथ साथ कई गुण इसमें ऐसे हैं, ये सूखा चारा अगर हरा चारा बिल्कुल ही बंद हो गया कोई महंगी क्वालिटी तो सूखे खाके भी ये दूध 8-10 लीटर दे देगी। इसके लिए ज़्यादा विटामिन बाईपास प्रोटीन जो महंगे फीड हो चुके हैं डेयरी में, वो खर्चा नहीं किसान भाई भी उठा पाते रखने वाले, ये कम खाकर भी कम खर्चे का फीड सस्ता फीड भी खा लेगी। पशुपालन ही क्यों छोड़ रहे हैं किसान, आपने देखा कि कई तो बस खेती में मस्त हो लेकिन उनके घर में पशु बहुत कम होते हैं, लेकिन कई तो पालते नहीं है, वो कह रहे देसी गाय नहीं होती कहीं किसी के भी पास। ये बिल्कुल ये बात सही है, लोगों को अच्छी गाय नहीं मिल रही, अगर अच्छी गायें 12 लीटर की साहीवाल इस टाइम मार्केट में भी अच्छा उसका गाहक है, लेकिन वो बछड़ी तैयार करनी पड़ेगी। इतना लेके जाते हैं कोई कि नहीं, काफ़ी लोग आते हैं लेकिन हमारे यहाँ भी हम इतनी नहीं उपलब्ध करा पाते, तो ये खुद पैदा करनी पड़ेगी सब भाइयों को। और अच्छा अच्छे सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है, देसी गोकुल मिशन जो भारत सरकार का आया है उससे भी अब उन्नति की उम्मीद है। दूसरा लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे बचें, जैविक जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग है उसका वो भी इसमें भी गाय उपयोगी है, इसका गोमूत्र गोबर इस गाय का दूसरी गाय के ना भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और हमारी मिट्टी बचाने के लिए हमें पानी बचाने के लिए इस गाय को पालना वैसे भी उपयोगी है। जी क्या बात है, मतलब कि इनका जो हम खेती करते हैं उस पर भी इनका गाय मूत्र हो गया चाहे गोबर वो उपलब्ध होता है। बिल्कुल, इसके गौमूत्र से जीवामृत बनता है, जो अगर एक गाय पालने से एक किसान 20 एकड़ की खेती बिना रासायनिक बिना केमिकल डालने कर सकता है, प्लस ये जो केमिकल जो इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक हम डालने शुरू किए हैं उससे में भी इसका गौमूत्र उपयोगी है। जी मतलब कि फिर आपके यहाँ पे तो बहुत डिमांड होती होगी, फिर आपसे लेके जाते होंगे लोग। अभी तो गोमूत्र गोबर की तो इतनी नहीं हो पाई धीरे धीरे, लेकिन गाय की घी की दूध की काफी डिमांड है, दूर दूर से लोग घी लेने आते हैं। कहाँ कहाँ से, मतलब कि दिल्ली चंडीगढ़ हमारे सारे उत्तरी भारत से भी, और पश्चिमी जो हमारा दक्षिण भारत है महाराष्ट्र कर्नाटक वहाँ से लोग गायें लेने आने लगे हैं। साहिवाल का सारे इंडिया में प्रचार हो चुका है, ये हरियाणा पंजाब के लिए एक वरदान है अगर किसान भाई इसकी बछड़ियाँ तैयार करें। जी ये क्यों फेमस है साहिवाल डेयरी फार्म आपका, अगर सर्च करें तो जल्दी से आ जाता है, फेमस किस क्यों है आपका ये पिछले 30 सालों से हम जो गौ सेवा कर रहे हैं इसी का, हमारे भाई राम सिंह जी जो हैं गौ भक्त हैं, हम सारा परिवार ज्वाइंट परिवार है लगा हुआ है गौ सेवा में जी, और अवार्ड भी मिले इसके जरिए। इसके लिए हमें सरकार का भी धन्यवाद है क्योंकि उसने देसी गायें और साहीवाल को प्रमोशन किया, हमारे पशु मेले जो लगाए सारे हरियाणा में उससे प्रचार हुआ, पंजाब में भी पंजाब सरकार भी काफ़ी पशुओं के बारे में अब जागरूक है, वहाँ भी अच्छे मेले लगा के उन्होंने भी हमारी गायों को प्रोत्साहन दिया है जो कि अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पंजाब में भी। जी मतलब कि आपको प्रोत्साहित किया, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि इससे आपने कोई अवार्ड भी जीते हैं जहाँ तक आपकी पहचान गई हो। बिल्कुल, हमारे यहाँ को जो सर्वोत्तम पशु पालन का ब्रीड चैंपियन है वो 3 बार लगातार 2,50,000 रुपए एक इस सांड को मिला है, उस गाय को मिला है 7.5 लाख रुपए तो हमें इनामों में 3 पशुओं ने दिला दिए हैं। जी ये जो सरकार की वो है और स्कीम है भाई अच्छे पशुओं को संवर्धन किया जाए। जी लेकिन हम देसी गाँव का रेट भी जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि इन्होंने तो आपको 7.5 लाख कमा के दे दिए, अगर इनका रेट जानना चाहें कि अगर देसी की कोई गाय को रखना चाहे तो तकरीबन कितना को मूल्य होता है इसका? अच्छी गाय का तो मूल्य 1 लाख के करीब है, उससे कम नहीं साहीवाल मिल पाएगी, और हमने तो 5 लाख तक की भी गायें बेची हैं काफ़ी जो वो कौन सी वैरायटी की थी? वो भी साहीवाल में थी जो चैंपियन गायें थी उसका बछड़ी भी थी, लेकिन कहीं सोचते हैं अभी गायें महंगी है, महंगी नहीं है गायें क्योंकि एक ब्यात में जो 3,000 लीटर दूध दे और 70 रुपये लीटर 2 लाख रुपये का तो दूध ही दे देती है,
एक बार में। अगर 12 बार गाय बच्चा दे, उसके बछड़ों की कीमत बछड़ी की लगाई जाए, तो गाय के पेट में तो सवा मन सोना जो बोलते थे हमारे बुजुर्ग, अब भी है। गाय कोई बोझ नहीं है, गाय तो हमें पालती है। आपने भैंस नहीं रखी, कोई पूरी गाय रखी हुई है? भैंस तो सिर्फ कोई ज्यादा मैं कहूँगा भी हमारे लिए, जब काम करते थे हमारे किसान भाई खेती में हल कसी, जब उसका घी जम कर पाते थे, उसका घी अब लोगों को स्टंट बाईपास डलवाने पड़ रहे हैं, वो जम जाता है, नहीं बॉडी टेम्परेचर पे हमारे इसमें 3 डिग्री का मेल्टिंग पॉइंट का फर्क है, ये घी जमता नहीं, इसका घी इसलिए महंगा बिकता है, 3,000 रुपये किलो तक शहरों में बेच रहे हैं, इसलिए इसका तो दवाई है, ये तो आयुर्वेदिक अमृत है, इस अमृत को तो महंगा ही लोग खरीद रहे हैं और महंगा होगा, ये कोई सस्ते होने वाली चीज नहीं है। अगर किसान भाई पैदा करेंगे 3,000 मतलब कि एक किलो का इसका गाय के घी का रेट हो चुका है, हम तो 1500 बेच देते हैं, कम ही है हमारे यहाँ दूध का भी रेट, क्योंकि मार्केट हमारे से दूर है थोड़ा शहर से, लेकिन दिल्ली गुड़गांव बड़े बड़े गुजरात खुद लेने आते हैं, लोग यहाँ लेने आते हैं और जिनको पता है वो गाय भी लेने आते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं लोग धीरे धीरे जागरूक, अब किसान भाई भी पालने लग गए हैं इस गाय जी। तो दर्शकों तुसी देख सकते हो एक गावां दी खासियत, अज देसी गावां किते ना किते बहुत घट देखन नूं मिलदियां, पर नरेश सिंह ते राम सिंह ने तुसी देख सकते हो तकरीबन 400 देसी गावां ही इत्थे रखियां, क्योंकि इहदा कहिंदे दुध भी लाहेवंद है, ते जिहड़ा घिओ दी असीं गल करदे हां तां उह वी किते ना किते सानूं बहुत फायदा दिंदा है और कैंसर वर्गियां बीमारियां तों वी दूर करदा। इही कारण सी कि अज तुहानूं वी दिखाया कि इस डेयरी फार्म दे विच किस तरीके दे नाल गावां दी जिहड़ी सांभ संभाल कीती जा रही है, दुध तैयार कीता जांदा, ते कई लोक जिहड़े डिमांड करके इत्थों लैण, इहदी जिहड़ी खाद हैगी उह वी तुसीं आप तैयार करदे जां उह इहनूं इससे हम बायोगैस प्लांट हमने लगाया हुआ है जी, और बाकी खेतों में चारा भी हम इसकी खाद से तैयार करते हैं, बेचते भी हैं, इसका जो कंपोस्ट है गाय का गोबर वो भी बिकने लग गया है, और धीरे धीरे अब इसके डिमांड गोमूत्र से CNG भी बनने की सरकार की भी स्कीम है बायोगैस से, तो कई प्रोडक्ट जो है इसके गोबर से भी अब इसका गाय का खर्चा निकलना, गौशालाओं में भी अनुदान सरकार दे रही है, और हम किसान भाई भी अगर सोचें यूरिया DAP महंगे भी होते जा रहे हैं और उपलब्ध भी हम सरकार से नहीं, सब्सिडी भारी हो चुकी है उस पर नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए MSP भी नहीं मिलती और जितना खर्चा हो जाता है, हाँ इसलिए गोबर से भी हमें खेती करनी सीखनी पड़ेगी, और जो हमारे खेती के उत्पाद होंगे जैसे धान बासमती चावल जो अच्छी क्वालिटी का पैदा करें, दालें सब्जियाँ, उनका भी हमें रेट अच्छा मिल सकता है अगर हम उस गोबर की खाद से गोमूत्र से तैयार करें, तो उसके लिए भी एक गाय तो किसान भाइयों को रखने का खर्चा कितना हुआ जाता है पर डे का हमारा एक गाय का 100 रुपये मान के चलो, चारे का हम खुद अगर पैदा करें तो ज्यादा से ज्यादा खर्चा नहीं है जी, अगर दाने का बिल्कुल 400 गाय हैं, चारा पूरा कैसे, चारा 20 आदमी नौकर के लगाए हुए हैं हमारे यहाँ, और बछड़ियाँ हम 1,00,000 तक की बछड़ियों की एवरेज लगाएं तो बछड़ी तैयार करने में भी हमें फायदा है, बछड़ियाँ इसकी अपने आप ही एक थन अगर बछड़ी को गाय को पिलाएं तो उससे दूध पीकर वो बछड़ी भी इसकी तैयार हो जल्दी हो जाती है, कई कारणों से ये जो पराली में आग लगाते हैं जो एक समस्या है हरियाणा पंजाब की, पराली भी इसका भोजन है जी। मैं सबसे अपील करता हूँ बासमती की पराली हो सुखा के अगर उसका स्टोर किया जाए, धान का भुस्सा जो है गेहूं के भुस्से के तो काफी रेट बढ़ चुके हैं, वो एक विकल्प है जो ये गाय खाकर उसको दूध में परिवर्तन कर देगी, और दूसरी गाय HF गाय पराली खा के दूध नहीं दे सकती, भैंस भी चलो थोड़ा सर्वाइव कर जाती है, लेकिन ये गाय तो बिल्कुल इसके अंदर ऐसा बैक्टीरिया है जो पराली को खाकर भी इसको जिंदा रखता है और इसका गोबर चीज में सर्वाइव करती है ये जी, ये फायदेमंद है इसमें काफी। तो दर्शकों तुसी देख सकते हो जे गावां ते भी झात मारीए तां तुसी देख सकदे हो खुल्लियां ने, जिवें मर्जी अपनी मर्जी नाल खा रहियां ने, इन्हां नूं कोई ज़्यादा तुसी देख सकदे हरा चारा नहीं पाया होया, देख सकदे सुक्की पराली है जिहड़ी उही पाई हुई है, पर उही खा के मस्त ने, अपना कोई किधर घूम रही है, इह वी तुसी देख सकदे हो कि पशुआं दी खासियत हुंदी है, पशु दी जे गल करदे आ तां उह वी समझण वाले हुंदे ने, अपने मालक नूं पछाणदे ने, ते नाल ही उह वी उवें कह सकते जिवें आप किसी के नाल कह सकते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, उवें ही ये पशु भी है, तुसी देख सकते हो अपने मालक दे नाल किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करके जे कहिए तां उन्हां दे अकॉर्डिंग ही ढलदे ने ते उन्हां दे अकॉर्डिंग ही चलदे ने। सो जुड़े रहो रोजाना स्पोक्समैन दे नाल, धन्यवाद।